हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे। एक और आज अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा ट्रैवल के रिलेटेड, फ्लाइट्स के रिलेटेड। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ट्रैवल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो ये भी एक बहुत बड़ा अपडेट है, फ्लाइट्स के रिलेटेड है जो आज का अपडेट रहेगा। बहुत टाइम के बाद एक्चुअली 23 अप्रैल को जो है दुबई ने फ्लाइट्स को बैन कर दिया था इंडिया से। सो इनफैक्ट एक्चुअली यूएई में ही आप कहीं पे भी नहीं आ सकते थे इंडिया से। बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इंडिया में हैं, बेसिकली देयर इज़ नो फ्लाइट्स टू यूएई। तो अभी आप अबू धाबी, दुबई आ सकते हैं 5 अगस्त से, अगर आपके पास वैक्सीन की दोनों डोजेज़ आपने ली हुई, आपके पास सर्टिफिकेट है एक्चुअली वैक्सीन का, कि आपने जो भी यूएई की ऑथराइज्ड वैक्सीन है जो यूएई ने ऑथराइज़ की हुई हैं, अगर उनमें से आपने कोई भी वैक्सीन ली हुई है, देन यू आर अलाउड टू एंटर यूएई फ्रॉम 5 अगस्त। बुकिंग्स जो है एयरलाइंस की जल्दी ओपन हो जाएंगी, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वाई? बिकॉज यूएई ने साफ तौर पे बोला है कि आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपका जो सर्टिफिकेट है कोविड 19 की वैक्सीन का, वो आपको यूएई गवर्नमेंट को एक्चुअली भेजना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, आपको अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पीसीआर का हम करते हैं अपलोड एक्चुअली व्हेन वी अप्लाइंग फॉर एयर सुविधा फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो वैसे एक उनका रहेगा, उनकी गवर्नमेंट की जो यू नो ई सर्विसेज हैं उनके पोर्टल के ऊपर आपको अपना कोविड 19 का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगी, उस अप्रूवल के बाद ही आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो जो है अप्रूवल वो नहीं है, देन आपके लिए ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होगा। आपके पास वैक्सीन की दोनों डोजेज का सर्टिफिकेट है जो वो होना चाहिए, और फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा GRDFA अप्रूवल जो रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। वो आपके पास अगर अप्रूवल है देन आप आ सकते हैं दुबई में, या फिर आप अबू धाबी, शारजा, कहीं पे भी आप आना चाहते हैं इंडिया से तो आप आ सकते हैं। फ्लाइट्स जो है उनकी बुकिंग जल्दी ओपन हो जाएगी, होपफुली कल हो जाएगी 5 अगस्त से, इस कन्फर्म्ड न्यूज़ एक्चुअली। मैं अपने सोर्सों से चेक किया, अभी यहाँ पे यूएई में ये न्यूज़ ऑलरेडी पब्लिश हो भी चुकी है काफ़ी सारे न्यूज़ पेपर के ऊपर, लाइक खलीज टाइम और गल्फ न्यूज़ में ये न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी, आप वो भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू डोंट बिलीव मी गाइस। बट दिस इज़ कन्फर्म दैट देयर विल बी फ्लाइट एज पर द इंफॉर्मेशन वी हैव रिसीव्ड। सो आई होप कि ये ऐसा हो जाए, बिकॉज बहुत सारे वर्कर्स हैं जो यूएई में काम करते हैं, दे आर स्टक इन इंडिया सिंस सो लॉन्ग बिकॉज देयर इज़ नो फ्लाइट्स। सो अभी फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं, 5 अगस्त से आप दुबई में आ सकते हैं। मेक श्योर आपके पास आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए, और आपके पास जो कोविड 19 की वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट है वो लाजिम होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल लेटर के साथ आप अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखा के किसी भी इंडिया के एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ़्लाइट जो है वो ले सकते हैं। सो ये था आज का अपडेट जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि दुबई के लिए कब से फ़्लाइट ओपन होगी, और टूरिस्ट या वर्कर्स या दूसरी कैटेगरी कब से आ पाएंगे। सो 5 अगस्त से जो है वो फ्लाइट्स जो हैं स्टार्ट हो रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब। We'll see you in the next video. Till then, take care guys. God bless you all. Stay home, stay safe. Thank you for watching.